नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 25 अप्रैल, दिन मंगलवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। चौथे कृषि रोड मैप के तहत बिहार बनेगा सीधा। 26-27 अप्रैल को बिहार की राजधानी में लगेगा एडमिशन फेयर। फर्जी डिग्रियों के आधार पर हुई शिक्षक नियुक्ति को लेकर हाईकोर्ट का आदेश। 30 अप्रैल तक चलेगा विश्व टीकाकरण सप्ताह। आईपीएल में आज डिफेंडिंग चैंपियन का सामना 5 बार की चैंपियन से। अब चले बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। एनडीए विश्व भारती में 709 पदों के लिए निकली भर्ती। एनडीए विश्व भारती के द्वारा मल्टीटास्किंग स्टाफ, लोअर डिवीजन क्लर्क, अपर डिवीजन क्लर्क, सेक्शन ऑफिसर, प्रोफेशनल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार आदि के कुल 709 पदों के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके लिए अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो सभी पदों से संबंधित शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा अलग अलग निर्धारित की गई है। इसके लिए उम्मीदवार पदों से संबंधित विस्तृत शैक्षणिक योग्यता जानने के लिए ऑफिशियल अधिसूचना देखे। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन करने के लिए एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट bharatirec.nta.ac.in पर जाकर ऑनलाइन तरीके से आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि आवेदन करने की अंतिम तारीख 16 मई 2023 तक निर्धारित की गई है। 26-27 अप्रैल को बिहार की राजधानी में लगेगा एडमिशन फेयर। 26-27 अप्रैल को बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान के पास स्थित लेमन ट्री प्रीमियर में सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक अफेयर्स के द्वारा विश्व स्तरीय एडमिशन फेयर का आयोजन होने वाला है। बता दें कि अफेयर उन छात्रों के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा जो अध्ययन के विकल्प तलाशने और शीर्ष भारतीय विश्वविद्यालय और कॉलेज के साथ जुड़ने की इच्छा रखते हैं। मालूम हो कि एडमिशन फेयर में इंजीनियरिंग, प्रबंधन, आईटी, चिकित्सा आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में स्नातक और स्नातोत्तर पाठ्यक्रमों का पता लगाने का अवसर मिलेगा। वह इस फेयर जो यूनिवर्सिटी भाग लेने वाले हैं उनमें आरवी यूनिवर्सिटी, ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी, रायगढ़, शारदा यूनिवर्सिटी, आचार्य, एमआईटी, वर्ल्ड पिच यूनिवर्सिटी जैसे कई बड़े यूनिवर्सिटी के नाम शामिल हैं। बिहारी पर्यटन में आज हम बात करेंगे वैशाली पुरातत्व संग्रहालय के बारे में। वैशाली पुरातत्व संग्रहालय वैशाली जिले का एक मुख्य आकर्षण स्थल है। यहाँ पर आपको बहुत सारी प्राचीन वस्तुओं का संग्रह देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर वैशाली और अन्य जगहों से उत्खनन से प्राप्त वस्तुओं का संग्रह किया गया है। इस म्यूजियम की स्थापना 1971 में की गई थी। इस म्यूजियम में आपको पत्थर से बने सामान, टेराकोटा के सामान, इंसान और जानवरों के चित्र, हड्डियों और सेल से बने हुए आभूषण, मूर्तियाँ, प्राचीन आभूषण, बर्तन और भी बहुत सारी चीजें देखने के लिए मिल जाती हैं। आपको यहाँ पर बहुत सारी प्राचीन साइट देखने के लिए मिलती है। यह संग्रहालय वैशाली में अभिषेक पुष्करणी तालाब के पास में बना हुआ है। संग्रहालय के बाहर सुंदर गार्डन देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर आपको बहुत सारी जगह के मिनिएचर स्टैचू भी देखने के लिए मिल जाते हैं। आप यहाँ पर आकर बहुत सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। चौथे कृषि रोड मैप के तहत बिहार बनेगा सीधा। बीते दिन कृषि मंत्री सर्वजीत कुमार के द्वारा बिहार की राजधानी पटना के कृषि भवन में विभिन्न जिलों से आए कृषि पदाधिकारियों के साथ बैठक की गई, जिसमें चौथे कृषि रोड मैप को लेकर चर्चा की गई। वहीं इस बैठक को लेकर बिहार सरकार के कृषि मंत्री सर्वजीत कुमार के द्वारा कहा गया कि बहुत जल्दी राज्य में चौथा कृषि रोड मैप आने वाला है, जिससे किसानों के लिए बहुत कुछ नया होने वाला है। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य है कि किसानों की आय बढ़े और हमें पूरी उम्मीद है कि अगला कृषि रोड मैप जो आएगा उसका पूरा फायदा किसानों को मिलेगा। राज्य सरकार लगातार किसानों की मदद भी कर रही है, लेकिन ज्यादा मदद कैसे की जाए जिससे उनकी आर्थिक स्थिति और अच्छा हो, उस पर भी विचार किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार सीड हब बनने के लिए तैयार है, इसके लिए पूरी तैयारी की जा रही है। रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने किया 2 करोड़ का पहला प्रावधान। राज्य के विश्वविद्यालयों और रिसर्च इंस्टीट्यूट में रिसर्च को बढ़ावा मिल सके, इसके लिए राज्य सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा अलग से एक रिसर्च कोष का निर्माण करवाया गया है। और साथ ही पहले प्रावधान के तहत 2 करोड़ प्रारंभिक राशि का भी प्रावधान किया गया, जिससे विश्वविद्यालय और रिसर्च इंस्टीट्यूट में रिसर्च को पूरा करने के लिए वित्तीय मदद की जाएगी। बता दें कि इसका निर्णय शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह के द्वारा सभी विश्वविद्यालयों और रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ चर्चा करके लिया गया है। और साथ ही विश्वविद्यालय को यह निर्देश भी दिया गया है कि वे अपना रिसर्च रिपोर्ट भेजे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सरकार के द्वारा जारी किए गए इस कोष से न केवल विश्वविद्यालयों बल्कि कुछ गैर विश्वविद्यालयों को भी वित्तीय मदद उपलब्ध करवाई जाएगी। फर्जी डिग्रियों के आधार पर हुई शिक्षक नियुक्ति को लेकर हाईकोर्ट का आदेश।
पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस केवी चंद्रन की खंडपीठ के द्वारा राज्य में बड़ी संख्या में फर्जी डिग्रियों के आधार पर नियुक्त शिक्षकों की बहाली मामले को लेकर रंजित पंडित की जनहित याचिका पर सुनवाई की गई। इस दौरान कोर्ट के द्वारा निगरानी विभाग को 3 महीने की और मोहलत दी गई है ताकि वे इस मामले की जाँच कर सके। दरअसल राज्य सरकार और निगरानी विभाग के द्वारा हलफनामा दायर कर कोर्ट को यह बताया गया था कि अभी भी 75,000 ऐसे शिक्षक हैं जिनका फोल्डर नहीं मिल रहा है। पिछली सुनवाई में कोर्ट के द्वारा राज्य सरकार को निर्देश दिया गया था कि वह एक समय सीमा निर्धारित करे जिसके तहत सभी संबंधित शिक्षक अपना डिग्री व अन्य कागजात प्रस्तुत करे और ऐसा नहीं करने वाले शिक्षकों पर आवश्यक कार्रवाई की जाए। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे नरेंद्र झा के बारे में। नरेंद्र झा एक भारतीय अभिनेता थे या कई धारावाहिक और फिल्मों में अभिनय किया है। इन्होंने हवन में हरि ओम बाप जी, हमने ली है शपथ में एसपी करणवीर, थिफ्ट ऑफ बगदाद में शीर्षक किरदार और इसके अलावा उन्होंने कैप्टन हाउस, जय हनुमान, आम्रपल्ली, रावण आदि धारावाहिकों में काम किया है। उन्होंने फिल्म हैदर, शोरगुल, रईश में भी काम किया। 20 से अधिक टीवी धारावाहिक करने के बाद उन्हें 2002 में प्रदर्शित फिल्म फंटूस में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए अंतिम रूप दिया गया। उन्हें श्याम बेनेगल द्वारा निर्देशित फिल्म नेताजी सुभाष चंद्र बोस द फॉरगॉटन हीरो में हबीबुर रहमान की भूमिका निभाने के लिए कास्ट किया गया। हालांकि बेनेगल के साथ यह जुड़ाव जारी रहा और उन्होंने झा को फिर से संविधान में मोहम्मद अली जिन्ना की भूमिका निभाने के लिए कास्ट किया। IRCTC के साथ 9 रात और 10 दिन में करें महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों के दर्शन। अगर आपके पास भी कम समय है लेकिन आप उस कम समय में ही देश के महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों का दर्शन करना चाहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। दरअसल IRCTC के द्वारा देखो अपना देश और एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के तहत 9 रात और 10 दिन के सफर में देश के कई महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों का दर्शन करवाने की शुरुआत की जाने वाली है। बता दें कि IRCTC के द्वारा इसकी शुरुआत 28 अप्रैल से पुणे से पूरी गंगा सागर दिव्य काशी यात्रा से होने वाली है जो कि 7 मई तक चलेगी। इसके लिए एक खास ट्रेन भी चलाई जा रही है। बता दें कि इतने दिनों के सफर में IRCTC यात्रियों को जगन्नाथ मंदिर, कोणार्क मंदिर, लिंगराज मंदिर, काली बाड़ी, विष्णुपद मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर समेत कई धार्मिक स्थलों के दर्शन करवाने वाला है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि IRCTC के द्वारा चलाई जाने वाले इस खास ट्रेन में 750 यात्रियों के लिए 3 श्रेणियों इकोनॉमी, कम्फर्ट और डिलक्स में टूर पैकेज की पेशकश की गई है। बिना गन्ना मूल्य तय हुए ही गन्ना पेराई का सत्र बीता। 2022-23 में गन्ना किसानों को गन्ना मूल्य में कोई बढ़ोतरी न होने के कारण खेती की लागत में बढ़ोतरी होने के बजाय काफी नुकसान झेलना पड़ा है। बता दें गन्ना किसानों से गन्ना पेराई सत्र 2022-23 में भी गन्ना पेराई सत्र 2021-22 के मूल्य पर ही गन्ना की खरीदी चीनी मिलों द्वारा की गई है। हालांकि गन्ना उद्योग विभाग के द्वारा चीनी मिलों के साथ प्रतिनिधियों के साथ बैठकर गन्ना मूल्य के पुनर्निर्धारण करने का प्रस्ताव तैयार करने को कहा गया था लेकिन गन्ना सत्र बीत जाने के बाद भी अब तक गन्ना की कीमत में बढ़ोतरी नहीं की गई है जिसका कारण राज्य सरकार और चीनी मिलों के बीच सहमति न बनने को बताया जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राज्य में गन्ना पिराई का सत्र 15 अक्टूबर से 15 अप्रैल तक होता है। पटना हाईकोर्ट ने फार्मासिस्ट के मामले पर की सुनवाई। बीते दिन पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस केवी चंद्रन की खंडपीठ के द्वारा राज्य में निबंधित और योग्य फार्मासिस्ट के पर्याप्त संख्या नहीं होने के कारण लोगों के स्वास्थ्य पर होने वाले असर के मामले को लेकर मुकेश कुमार के द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की गई। बता दें कि सुनवाई के दौरान कोर्ट के द्वारा कहा गया कि अब इस मामले पर अगली सुनवाई 3 जुलाई 2023 को की जाएगी। वहीं पिछले सुनवाई में कोर्ट के द्वारा सरकार को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के आलोक में राज्य सरकार को पुनः जवाब देने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया गया था। मालूम हो कि याचिकाकर्ता के द्वारा कोर्ट को बताया गया कि डॉक्टरों द्वारा लिखे गए पर्ची पर निबंधित फार्मासिस्टों द्वारा दवा नहीं दी जाती है। बहुत सारे सरकारी अस्पतालों में अनिबंधित नर्स ANM क्लर्क ही फार्मासिस्ट का कार्य करते हैं। वे बिना जानकारी और योग्यता के ही मरीजों को दवा बांटते हैं जबकि यह काम निबंधित फार्मासिस्ट का है। मोकामाटाल क्षेत्र में पुलिस ने भारी मात्रा में शराब किया बरामद। बिहार में शराबबंदी है लेकिन इसके बावजूद भी आए दिन शराब तस्करों की गिरफ्तारी और शराब बरामद करने की खबरें सुनने को मिलती रहती है। ऐसे में एक और ऐसा ही ताजा मामला सामने आया है। बता दें कि ताजा मामला बिहार की राजधानी पटना के मोकामाटाल क्षेत्र के त्रिमुहान गांव का है जहां उत्पाद विभाग और घुसवरी पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में छापेमारी करते हुए तालाब और घरों से अवैध निर्मित भारी मात्रा में देशी शराब बरामद की गई है। बता दें कि इस दौरान उत्पाद विभाग की टीम के द्वारा ड्रोन कैमरे से पूरे गांव में शराब की तलाशी की गई थी। वहीं इस मामले को लेकर यह बातें निकलकर सामने आई है कि अवैध धंधे में कई लोग शामिल हैं। हालांकि इस दौरान शराब तस्कर भाग निकले। 30 अप्रैल तक चलेगा विश्व टीकाकरण सप्ताह।
बीते दिन यानी कि 24 अप्रैल से टीकाकरण सप्ताह की शुरुआत हुई है जो कि आगामी 30 अप्रैल तक चलने वाली है। बता दें कि इस बार के टीकाकरण सप्ताह का थीम द बिग कैचअप रखा गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज के दौर में भी देश के 20% बच्चे ऐसे हैं जो टीकाकरण से बिल्कुल दूर है। यूनिसेफ की रिपोर्ट द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन 2023 फॉर एवरी चाइल्ड वैक्सीनेशन के अनुसार भारत में अब भी 27 लाख बच्चों को एक भी टीका नहीं लगा है। मालूम हो कि देश में टीकाकरण पर सबसे बुरा असर 2020 और 2021 में कोरोना काल के दौरान पड़ा था। इस अवधि में 30 लाख बच्चे टीकाकरण से छूट गए। हालांकि अब इस आंकड़े में काफी सुधार आई है। देश में हर 0 साल से 5 साल के बच्चे टीके से वंचित न रह सके, इसके लिए सरकार की ओर से वर्ष 2014 में मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत की गई थी। दक्षिण पश्चिम दक्षिण मध्य भागों में तेज हवा और मेघ गर्जन की संभावना। बिहार में अगले 2 दिनों तक मौसम का मिजाज सुहाना रहने वाला है। विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार प्रदेश में अगले 2 दिनों तक आंधी पानी की संभावना जताई जा रही है। बता दें कि इस दौरान हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे से चलने की बात कही जा रही है। इतना ही नहीं, विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में अगले कुछ दिनों तक ओला गिरने को लेकर भी चेतावनी जारी की है। साथ ही साथ प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम जानकारों की माने तो 26 अप्रैल तक प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बारिश होने की संभावना जताई गई है। हालांकि यह भी कहा गया कि 4 दिन के बाद तापमान में फिर से बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। प्रदेश के दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण मध्य भागों में 1 या 2 स्थानों पर बिजली और तेज हवा के साथ मेघ गर्जन की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग पहले से ही किसानों को अलर्ट कर रहा है। किसानों की रुचि पैक्सों को गेहूं देने में नहीं। 20 अप्रैल से गेहूं की खरीद की शुरुआत होने के बाद से अब तक केवल 76 किसान ही ऐसे हैं जिन्होंने अपनी रुचि पैक्सों को गेहूं बेचने में दिखाई है। दरअसल राज्य में किसानों की रुचि पैक्सों को गेहूं बेचने में नहीं देखी जा रही है, जिसका मुख्य कारण बाजार में भी समर्थन मूल्य जैसा भाव ही मिलना है। बता दें कि किसानों का कहना है कि जब बाजार में इसी भाव से नगद भुगतान कर व्यापारी खेत में ले जा रहे हैं, इसलिए पैक्सों के झंझट में क्यों पड़े। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस बार गेहूं का समर्थन मूल्य 2,125 रुपए रखा गया है, जबकि किसानों से बाजार में भी व्यापारी 2000 से लेकर 2200 रुपए तक में गेहूं की खरीद कर रहे हैं। बता दें कि बेगूसराय, दरभंगा और सारण से एक भी किसानों के द्वारा गेहूं बेचने के लिए निबंधन नहीं कराया गया है। वहीं औरंगाबाद, बांका, भोजपुर, बक्सर, गया, कैमूर, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, लखीसराय, मधेपुरा, नालंदा, शिवहर, शेखपुरा, सिवान और सुपौल जैसे जिले हैं जहां से केवल एक एक किसानों के द्वारा निबंधन कराया गया है। इसके अलावा जिस जिले में सबसे ज्यादा किसानों के द्वारा निबंधन गया है वह जिला सहरसा है, जहां 8 किसानों ने निबंधन कराया है। पटना में 29 अप्रैल से जिला जूनियर डिवीजन क्रिकेट लीग समिति के संयोजक राजेश कुमार और सदस्य रहबर आब्दीन के द्वारा संयुक्त रूप से दी गई जानकारी के अनुसार बिहार क्रिकेट एसोसिएशन यानी कि BCA की ओर से 29 अप्रैल को बिहार की राजधानी पटना में जिला जूनियर डिवीजन क्रिकेट लीग का आयोजन किया जा रहा है। बता दें कि दी गई जानकारी के अनुसार इस लीग का आयोजन पटना के 5 खेल मैदानों पर किया जाएगा। मालूम हो कि मैच का सफल संचालन किया जा सके, इसके लिए धनंजय कुमार के चैंपियनशिप में एक समिति का गठन किया गया है, जिसमें डॉक्टर मुकेश कुमार, सुनील कुमार और निशांत मोहन शामिल हैं। इनके द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार यह लीग अपने अंतिम पड़ाव पर है। रबर आब्दीन ने कहा है कि जूनियर डिवीजन क्रिकेट लीग का शेड्यूल भी जल्द जारी कर दिया जाएगा। नीतीश और तेजस्वी से मुलाकात के बाद ममता बनर्जी का बड़ा बयान। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा बीजेपी के खिलाफ देश के सभी विपक्षी पार्टियों को एक करने के लिए जी तोड़ कोशिशें की जा रही है। बता दें कि इसी कोशिश के तहत बीते दिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ JDU के मंत्री संजय झा भी वहां मौजूद रहे। वहीं इस मुलाकात के बाद CM ममता बनर्जी के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मुलाकात को लेकर एक बड़ा बयान दिया गया है। उन्होंने कहा कि मैंने नीतीश कुमार से बस एक ही निवेदन किया है, जयप्रकाश जी का आंदोलन बिहार से शुरू हुआ, अगर हम बिहार में सर्वदलीय बैठक करते हैं तो हम तय कर सकते हैं कि हमें आगे क्या करना है, लेकिन सबसे पहले हमें यह संदेश देना होगा कि हम एक हैं। उन्होंने कहा कि पहले भी हमने कहा है कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं चाहती हूं कि बीजेपी 0 हो जाए। मीडिया के सहारे और झूठ से हीरो बन गई है, हम साथ साथ आगे बढ़ेंगे, मेरा कोई व्यक्तिगत अहंकार नहीं है, हम एक साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। CM नीतीश को लेकर नित्यानंद राय ने किया बड़ा दावा। केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद राय के द्वारा हाजीपुर में एक बार फिर से बिहार सरकार पर हमला बोलते हुए CM नीतीश को लेकर एक बड़ा दावा किया गया है। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार का खजाना पूरी तरह से खाली हो चुका है। उन्होंने कहा कि बिहार में जो भी विकास के काम किए जा रहे हैं वह केंद्र सरकार के खजाने से किए जा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भगीरथ प्रयास से पूरे देश में विकास की गंगा बह रही है, जिसमें से एक बिहार का वैशाली जिला भी शामिल है, जहां विकास की रफ्तार तेज है। उन्होंने
उन्होंने दावा करते हुए कहा कि बिहार के बजट का 71 से 72% राशि केंद्र सरकार की है और उसी राशि से बिहार का विकास हो रहा है। अब बिहार सरकार के पास कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार की व्यवस्था चौपट हो गई है। विपक्ष की बारात का दुल्हा कौन का, ललन सिंह ने दिया जवाब। एक तरफ जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा देश के सभी विपक्षी पार्टियों को एक साथ लाने की कोशिश की जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी के द्वारा लगातार इस विपक्षी एकता पर सवाल उठाते हुए पूछा जा रहा था कि आखिर विपक्ष की बारात का दुल्हा कौन है। वहीं अब बीजेपी के द्वारा पूछे गए इस सवाल का जवाब जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के द्वारा दिया गया है। ललन सिंह ने जवाब देते हुए कहा कि नीतीश कुमार के द्वारा विपक्ष को एकजुट करने के लिए अपना अभियान चला रहे हैं और इसके लिए उन्हें सफलता भी जरूर मिलेगी। वहीं दूल्हे वाले सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि एक दूल्हा जिसने वादा पूरा नहीं किया, उस दुल्हा को कौन पूछ रहा है। उन्होंने कहा कि अब तो उस दुल्हा को कोई लड़की देने को भी तैयार नहीं है। पशुपति पारस ने सीएम नीतीश के अभियान को लेकर दिया बड़ा बयान। बीते दिन सोमवार को केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस के द्वारा बिहार के हाजीपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विपक्षी एकजुटता के अभियान को लेकर एक बड़ा बयान दिया गया है। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश इससे पहले भी विपक्षी एकजुटता करने के लिए गए थे, लेकिन शरद पवार के द्वारा ही उनके अभियान को झटका दे दिया गया था। इसके साथ ही उन्होंने एक अनार 100 बीमार वाली कहावत का उदाहरण देते हुए कहा कि देश में जितने भी क्षेत्रीय दल है सभी के नेता प्रधानमंत्री के दावेदार है। फिलहाल देश में पीएम पद का वैकेंसी खाली नहीं है। उन्होंने कहा कि यहां प्रजातांत्रिक व्यवस्था में बहुमत का राज होता है, यहां उल्टी गंगा बह रही है। एमएलए नहीं है, मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं, एमपी नहीं है, प्रधानमंत्री बनाएंगे। उन्होंने कहा कि मेरे हिसाब से यह अच्छी शुरुआत नहीं है। प्रशांत किशोर ने पीएम मोदी पर कसा तंज। राजनीति रणनीतिकार प्रशांत किशोर के द्वारा अपने जनसुराज पदयात्रा के दौरान वैशाली के चेहरा कला प्रखंड में पदयात्रा शिविर में पीएम मोदी पर जमकर तंज कसा गया। उन्होंने कहा कि जनता को मोदी जी का 56 इंच का सीना तो दिख रहा है, लेकिन अपने बच्चों का भूख से सिकड़ा हुआ सीना नहीं दिख रहा। उन्होंने कहा कि उन्हें बिहार में बैठकर चीन का विवाद दिख रहा, लेकिन घर में जो कमियां हैं वह उन्हें नजर नहीं आ रही। यहां पर बच्चे भूखे पेट है, उनके शरीर पर कपड़ा नहीं है, उनके पांव में चप्पल नहीं है, लेकिन उन्हें यह नहीं दिखता, उन्हें सिर्फ जाति दिखती है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जब तक लोग सही उम्मीदवार को वोट नहीं करेंगे तब तक विकास संभव नहीं है। यहाँ के युवा या तो बेरोजगार है या कहीं और मजबूरी कर रहे हैं। आईपीएल में आज डिफेंडिंग चैंपियन का सामना 5 बार की चैंपियन से। आज आईपीएल का 35वां मुकाबला खेला जाएगा। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में डिफेंडिंग चैंपियन गुजरात टाइटंस का सामना होगा 5 बार की चैंपियन टीम मुंबई इंडियंस से। मुंबई की टीम अपना पिछला मुकाबला पंजाब किंग्स से हार कर आ रही है, वहीं गुजरात की टीम लखनऊ को मात देकर आ रही है। एक तरफ जहां गुजरात की टीम अपनी बल्लेबाजी में सुधार करने के नजरिए से उतरेगी, वहीं मुंबई की टीम अपनी गेंदबाजी को सुधारने के इरादे से मैदान में उतरेगी। इसलिए मुकाबले के दिलचस्प होने की पूरी उम्मीद है। पंजाब के खिलाफ मुकाबले में मुंबई के गेंदबाजों ने अंतिम 5 ओवरों में 96 रन उठाए थे, जबकि उनके बल्लेबाज बेहतरीन फॉर्म में हैं। वहीं गुजरात की बात करें तो उनकी डेथ गेंदबाजी कमाल की है। पिछले मुकाबले में उन्होंने लखनऊ को एक लो स्कोरिंग मैच में 7 रनों से हरा दिया था, जबकि उन्होंने 135 रन ही बनाए थे। हालांकि दोनों टीम अभी तक एक ही बार एक दूसरे से भिड़े हैं, जिसमें मुंबई ने बाजी मारी थी। भारत के इतिहास में आज की तारीख है बेहद खास। दिल्ली में टेलीविजन पर पहली बार रंगीन प्रसारण की 1982 में शुरुआत हुई। बॉलीवुड के प्रसिद्ध कलाकार व निर्देशक आमिर खान को 2008 को सिनेमा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए मास्टर दीनानाथ मंगेशकर स्मृति प्रतिष्ठान का विशेष पुरस्कार प्रदान किया गया। भारतीय नौसेना ने 2010 में पुराने हो चुके चेतक हेलीकॉप्टरों की जगह नए लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर खरीदने की प्रक्रिया शुरू की। भारत के प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी आई एम विजयन का 1969 में जन्म हुआ। साहित्य चंद्रबली पांडे का 1904 में जन्म हुआ। 2005 में भारतीय संत स्वामी रंगनाथ नंदा का निधन हुआ। 2000 में भारतीय हिंदी फिल्मों के सुप्रसिद्ध कथा पटकथा और कहानी लेखक पंडित मुखराम शर्मा का निधन हुआ। बालघर में आज हम बात करेंगे वित्तीय सब्सिडी जीतने के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे वित्तीय सब्सिडी जीतने के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि पंजाब नेशनल बैंक से 6,000 रुपए की वित्तीय सब्सिडी जीतने का मौका मोहक सही लगता है। पीआईबी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि हालांकि यह लकी ड्रॉ फेक है, यह एक घोटाला है और @PNB India से संबंधित नहीं है। भारत सरकार से जुड़ी किसी भी संदिग्ध जानकारी को हमेशा पीआईबी फैक्ट चेक के जरिए चलाएं। WhatsApp पर जल्द आएगा चैनल टूल फीचर।
मेटा के स्वामित्व वाला इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप पर नजर बनाए रखने वाली WA बीटा इन्फो की एक रिपोर्ट के अनुसार व्हाट्सएप चैनल नाम के एक नए फीचर पर काम कर रहा है। इस नए फीचर की मदद से यूजर उन लोगों से आसानी से अपडेट पा सकेंगे जिनसे वो समाचार प्राप्त करना चाहते हैं। व्हाट्सएप चैनल ऐप के स्टेटस वाले सेक्शन में लिस्ट होंगे। व्हाट्सएप चैनल एक प्राइवेट स्पेस होगा जहाँ फोन नंबर और चैनल से जुड़ने वाले यूजर की जानकारी हमेशा छिपी रहेगी। हालांकि पर्सनल चैट के उल्टा चैनल के भीतर रिसीव किए जाने वाले मैसेज एंड टू एंड एनक्रिप्टेड नहीं होंगे। कंपनी ने यह जानकारी दी है कि इससे निजी मैसेजिंग का एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन प्रभावित नहीं होगा। यूजर्स के पास इस बात का कंट्रोल होगा कि वे किस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं और कोई भी यह नहीं देख सकता है कि वे किसे फॉलो करते हैं। इसके अलावा लोग चैनलों के लिए ऑटो सब्सक्राइब नहीं होंगे। व्हाट्सएप चैनल भी हैंडल को सपोर्ट करेंगे जिससे यूजर व्हाट्सएप के भीतर अपना यूजर नेम दर्ज करके एक स्पेशल व्हाट्सएप चैनल खोल सकेंगे। देश की पहली वाटर रेल का आज होगा उद्घाटन। आज यानी कि 25 अप्रैल को केरल के कोच्चि में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा देश के पहले वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया जाएगा। बता दें कि यह मेट्रो दूसरे बाकी सभी मेट्रो से काफी अलग होगा क्योंकि यह मेट्रो पटरियों के बजाय पानी पर चलने वाली है। बता दें कि इस वाटर मेट्रो का निर्माण बंदरगाह शहर में 1,136.83 करोड़ रुपए की लागत से की गई है। वहीं इस वाटर मेट्रो का केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के द्वारा इसे राज्य का ड्रीम प्रोजेक्ट करार दिया गया है। मालूम हो कि यातायात की भीड़ को कम करने और कोच्चि झील के किनारे आसानी से पहुंचने के लिए परिवहन के नए तरीके की परिकल्पना की गई है। यह परियोजना 78 किलोमीटर तक फैली है और 15 मार्गों से होती हुई जाएगी। इसके किसी भी टिकट को डिजिटल रूप से बुक किया जा सकता है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है विक्की कुमार, मिट्टू कुमार राज, कुश कुमार यादव, रंजीत मिश्रा, शंकर मुखिया, नन्नू गोलू कुमार, सुता रॉय, जय शर्मा, धर्मेंद्र कुमार, RS अमरेश, उमेश शिष्यदेव, रविंदर कुमार, अतीक खान, सतीश कुमार, वेद प्रकाश सिंह। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार अब तक के IPL के हुए मैचों को देखते हुए कौन सी टीम चैंपियन बन सकती है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप YouTube से देखें चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप Facebook से देखें तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।